विदिशा के कुरवाई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सांखला के नागरिकों ने ग्राम में ही अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु प्रदेश कांग्रेस महामंत्री सुभाष बोहत एडवोकेट एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार बघेल के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों के साथ धरना प्रदर्शन किया एवं अपनी जन समस्याओं के निराकरण की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में शासन द्वारा गंभीर त्रुटि की गई है, पात्र लोगों को छोड़ा गया है। सचिव ने जो रिपोर्ट लगाई है वह रिपोर्ट अनैतिक है। सचिव ने अधिकांश घरों को पक्का घर बताया है जबकि वह घर कच्चे घर हैं। अतः छूटे हुए जगथर पंचायत के सभी ग्रामों में कुटीर आवास योजना का सभी को लाभ दिलाया जाए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों ने बताया कि लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, गरीब लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, तत्काल प्रभाव से उनके राशन कार्ड बनाए जाए और सभी को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुभाष बोहत ने कहा कि मैं जनता की लड़ाई मरते दम तक लड़ता रहूंगा। इस अवसर पर मंडलम अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और नागरिक उपस्थित थे। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। रह गया था और यहाँ पर प्रशासन ने केवल आश्वासन दिया था कि भाई हमारी समस्याओं को हल कराएगा। आज भी बाढ़ पीड़ित साथियों को ना तो कुटीर दिए गए, उनके मकान बह गए, ना ही उनको शासन की योजना दी गई का फायदा दिया गया। मेरे साथियों भी मेरी धानक समाज और अनुसूचित जाति की हरिजन समाज की बहनों ने भाइयों ने बताया कि कई लोगों को खाद्यान्न योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा, जबकि मध्य प्रदेश की सरकार का कहना है कि हर घर को 5 महीने का फ्री राशन कार्ड राशन मिलेगा, चाहे उसके पास राशन पर्ची हो चाहे ना हो। लेकिन ग्राम में इस तरीके का वातावरण अगर हो रहा है, लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है, लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, तो ये निंदा का विषय है। इसकी आवाज को हम आदरणीय कलेक्टर महोदय के पास आज इस धरने के माध्यम से जगतर पंचायत का गांव सांकला में आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरा विश्वास है कि आज चूंकि मैंने आपके गाँव में आके धरना देने का निर्णय इसलिए लिया था कि आप सब इतने सारे इकट्ठे होके ना तो विदिशा आ सकते थे और ना ही SDM के कार्यालय पहुंच सकते थे, इस कारण आज आप ही के गांव में इस वृक्ष के नीचे हमने धरना दिया है और शासन प्रशासन की आंखों को खोलने का काम किया है। निश्चित रूप से जो रूई डालकर सांकला गांव के खिलाफ बैठे हैं और अपने नुमाइंदे सचिव के माध्यम की गलत रिपोर्टों के आधार पर लोगों की कुटीरें रोकी गई हैं, लोगों को दूसरी लाभ मिलना चाहिए वो रोके गए हैं, उसे वापस दिलाने के लिए आज हमने ये धरना दिया है। मेरा विश्वास है कि आवाज अगर हम उठाएंगे तो जोर हमारा कहीं ना कहीं उसका भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः कहता हूँ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो। बैठक में उपस्थित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय नवनियुक्त अध्यक्ष भाई राजकुमार बघेल जी, कांग्रेस पार्टी के मंडलम अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा जी, उपस्थित मेरे सभी साथियों, नौजवानों, बुजुर्गों और इस गांव में विराजमान सभी भाइयों बहनों, मेरा नाम सुभाष बोहत है। 2018 में आपके क्षेत्र से कुरवाई विधानसभा से मैंने जिला पंचायत विधानसभा का चुनाव लड़ा था और यहां आपका सहयोग भी मुझे यथासंभव इस गांव और इस पंचायत से मिला था। सम्माननीय साथियों, अभी कुटीर की प्रधानमंत्री आवास योजना की एक समस्या, बड़ी समस्या हमारे सबके बीच में आप लोगों ने बताई है। मैं इस संदर्भ में आप सब सिरोंज में SDM साहब को भी ज्ञापन देकर आए हैं। निश्चित रूप से जो भी थोड़ी बहुत कार्यवाही होगी इसके साथ मैं खुद भी आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास करूंगा, आपकी समस्याओं के हल के लिए मैं लगातार कलेक्टर महोदय और SDM महोदय से भी आपकी समस्याओं के हल के लिए प्रयास करने का कोशिश करता रहूंगा। मेरे आदरणीय साथियों, यहां पर एक पंचायत में शायद 167
कुटीर जो आवास योजना की अभी आई है, जो पूरी जत्तर पंचायत के चार ग्राम जो आते हैं उन ग्रामों के लिए स्वीकृत हुई है, उसमें कुछ आपके यहाँ भी है। यहाँ कुछ शिकायतें मिली है, उन शिकायतों को कुल 13 सांकला गांव के लिए भी कुटीर स्वीकृत की गई है। यहाँ के जिम्मेदार सचिवों द्वारा जो रिपोर्ट सरकार को लगाकर दी गई है जो पूरी तरह गलत है, उन्होंने कहा है कि पक्के मकान हैं। मैंने खुद ने जाकर घर पर देखा है कि यहाँ पक्के मकान नहीं है मित्रों, बल्कि कच्चे मकान जिनमें धन के दरवाजे तक नहीं लगे हैं। ऐसे लोगों को भी अगर आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा तो ये अत्यंत निंदा की बात है। मेरे आदरणीय साथियों, मैं आप सब से मुलाकात करने विधानसभा में आते हर गांव की हालत बद से बदतर है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, पेट्रोल डीजल सबसे ऊपर चला गया है, किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन आज भी आप और हम जागरूक होने के लिए तैयार नहीं है। आदरणीय कमलनाथ जी को एक मौका 5 साल के लिए मिलना चाहिए था। लगातार आप 15 साल 20 साल से भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है, एक मौका तो कांग्रेस पार्टी को देने का बनता है। मैं सुभाष मोहत हाथ जोड़कर आपसे आग्रह करता हूँ कि मुझे और मेरी पार्टी को भी आप एक मौका दिलवाइए। मैं आज जो समस्या मुझे बताई जाएगी इसके लिए कलेक्टर साहब से बात करूंगा। कल ही जाकर मैं कलेक्टर साहब से विदिशा में ज्ञापन देकर बात करूंगा। सिरोंज में एक रैली निकालकर हम उस बात के लिए बात करेंगे। आपके सांकला के कई नौजवानों ने सिरोंज SDM को जाकर कल परसों ज्ञापन भी दिया है 4-5 दिन पहले, और उसके अलावा भी मुझसे जो बनेगा आप सब मुझे यहाँ बुलाएंगे। मैं काम करने वाला हूँ ईमानदारी से और काम करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथी आदरणीय नदीम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।